नमस्कार, मैं भी कृष्णा घरेलू नुस्खे माँ के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे करी पत्ता, यानी जिसे मीठी नीम भी कहते हैं, हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं। वो खाने में अगर हम अच्छी मात्रा में यूज करें या हम उसे खाली पेट यूज करें तो हमारे शरीर की कितनी सारी परेशानियों का अंत कर सकती है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे आने वाले तमाम नुस्खों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं करी पत्ते की। करी पत्ता घर घर में लगा होता है, उसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब होती है और आप उसको अपने घर के खाने में यूज करते हैं। अक्सर जो नारियल की चटनी बनी होती है या सांभर बनी होती है, उसमें करी पत्ता पड़ा होता है, हम उसको बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं, उसको चबाकर खा जाना चाहिए। उसमें एक गुणों का भंडार है, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, कितने सारे गुण हैं उस करी पत्ते में, यानी मीठी नीम में। जिस भी भोजन में डालते हैं, भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, महक बढ़ जाती है। उसे चबाकर खा सकते हैं, आप उसे खाली पेट खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो 4-5 पत्ते, 5 या 7 पत्ते आप अपने यहाँ से मीठी नीम के यानी करी पत्ते के लीजिए और उसे खाली पेट खा लीजिए। अगर आप उसे चबा चबा के खाली पेट खाते हैं, आप ये जानिए कि आपने एक कैल्शियम की गोली सुबह उठते ही खा ली, यानी आपके बदन में कैल्शियम की कमी को वो दूर करता है। उसके अलावा आप अपने भोजन में किसी भी तरह उसको आप शामिल कर रहे हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप उसको चटनी, अगर आप चटनी बना रहे हो तो चटनी में अच्छी क्वांटिटी में डालिए, अपने धनिया की चटनी, पुदीने की, कोई भी चटनी बनाइए तो आप मुट्ठी भर उसमें करी पत्ता अवश्य डालिए। करी पत्ते को आपने सुखा के भी रख सकते हैं, छांव में सुखाना चाहिए जिससे उसकी महक ना निकले। करी पत्ते को आपने छांव में सुखाया तो हाथ से ऐसे ऐसे मैश करते हैं तो भी उसका पाउडर बन जाता है। उसके बाद आप उसको रख लीजिए एक डिब्बी में, और जब भी किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी या सीजनल ये प्रॉब्लम हो ना, तो 1 चम्मच शहद लीजिए, उसमें थोड़ा सा करी पत्ते का पाउडर डालिए, मिलाइए और चाट जाइए। थोड़ी देर पानी मत पीजिए, उसके बाद आप देखिएगा सर्दी, जुकाम, खांसी जो सीजनल है एकदम से छू हो जाएंगे। करी पत्ते का, ताजे करी पत्तों का पेस्ट बनाइए, आप पीस कर पेस्ट बनाइए और उसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए। उसके बाद बाल धो दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बाल हो जाते हैं। या करी पत्ते का पेस्ट बनाया, उसको थोड़ा सा नारियल के तेल में मिलाया और अपने अपने बालों में हल्के हल्के आपने मसाज किया और उसके बाद आपने सिर को धो लिया। ये भी एक बेहतर विकल्प है आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने का। कैल्शियम की कमी पूरी करेगा, आपके शरीर में हड्डियों का जो दर्द होता है, जो बदन का दर्द होता है उसे दूर करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, एनीमिक अगर आप हैं यानी ब्लड की कमी है उसको ठीक करता है, लीवर के लिए रामबाण काम करता है ये करी पत्ता। कोई भी चीज आपको अच्छी तरह पता है कि जब वो पक जाती है तो उसके गुण थोड़े कम हो जाते हैं, कुछ चीजों के तो गुण बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, कुछ के थोड़े कम हो जाते हैं। तो करी पत्ते को अगर आप कच्चा ही खा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर कच्चा ना पाए तो चटनी के रूप में खाएं, चटनी के रूप में खाएंगे तो भी वो पका नहीं है वो बहुत फायदा करेगा। और नहीं तो सब्जियों में, तो ज्यादातर सब्जियों में एक आदत बना लीजिए करी पत्ता डालकर ही खाना है, बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, जो मैंने आपको बताई है वो सब बीमारियों में ये करी पत्ता काम करेगा। तो आशा करती हूँ करी पत्ता आप अपने भोजन में बहुत आयत यानी कि ज्यादा मात्रा में शामिल करेंगे और ज्यादा अपने शरीर की परेशानियों को दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।